चलिए बेटा आज आपको दिखाते हैं कि घर में कैसे मसाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना के रखा जाए ताकि कभी जरूरत हो इमरजेंसी में तो हम उसे यूज कर सकें। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये जैसे तीन प्याज लिए हैं तो हर एक प्याज के लिए दो टमाटो मीडियम साइज के प्याज मीडियम साइज के टमाटो वो लिए हैं। उनको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। ये थोड़े ऐसे ही अपने ये इस चीज में अंदाजा रखना पड़ेगा, अगर आपको ज्यादा लहसुन पसंद है तो थोड़ा ज्यादा ले सकते हो, अदरवाइज ये इतना अदरक इतना लहसुन इतने प्याजों के लिए लिया है। हरी मिर्च और ज्यादा ले सकते हैं और बाकी अभी लाल मिर्च भी बढ़ेगी। ये लाइट आने दीजिए, ये ड्राई मसाले हैं तो इसमें मोटी इलायची भी पड़ती है। अभी मैं मोटी इलायची नहीं डाल रही हूँ, मोटी इलायची भी पड़ती है, ठीक है। तो ये तेज पत्ता है और ये लौंग है, तो पहले इसको हम और ये थोड़ी सी हम हींग भी डालेंगे इसमें, क्योंकि हम मसालों में हर मसाले में डालते ही हैं हींग, तो थोड़ी मसाले में हींग भी डालूंगी। इसको यहीं रख दूँ, ये इतनी हींग बहुत है। अच्छा तो अब हम इस मसाले को पीसते हैं, इसको मिक्सी में डालेंगे, मिक्सी के बड़े जार में आपने इसको मोटा मोटा पीसना है। तो सबसे पहले इसमें हमने डालने हैं टमाटोज नीचे, क्योंकि वही एकदम उस मसाले को गीला करके पीसना शुरू करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर हम प्याज डाल देते हैं, उसी के साथ ही ये अदरक भी आ गया, लहसुन आ गया, हरी मिर्च आ गई और हम इसको अब पीस देते हैं मोटा मोटा। इसको हम फास्ट में नहीं करेंगे, बिल्कुल मीडियम में करेंगे ताकि थोड़ा ये मोटे मोटा पीसे, जितना तेज करेंगे उतना बारीक होता जाएगा, तो हमको इसको बारीक नहीं करना क्योंकि ये दाल में भी पड़ सकेगा फिर और सब्जी में भी पड़ सकेगा, किसी भी चीज में पड़ जाएगा। ये है, अभी थोड़ा सा और हो सकता है, कर देती हूँ, ठीक है। इसमें बस तो ये हमने इसको थोड़ा मोटा मोटा ही रखा है, इसको निकाल के ये हमने ऑयल गरम किया हुआ है हम आगे, और इसमें सबसे पहले हमने डाल दी हींग, गैस को तेज कर लेते हैं। करी पत्ता, तेज पत्ता, तेज पत्ता, यस। और ये लौंग डाल दी, अगर कुछ खास सब्जी बनानी होगी तो उसके लिए हम थोड़ा सा लौंग वगैरह ज्यादा भी कर सकते हैं। बस सब इसके ऊपर से ही आप इसको पीसे हुए मसाले को, ये दरदरा पिसा हुआ है, थोड़ा मोटा पिसा हुआ है, उसको डाल देंगे। अब इसमें टमाटो अदरक लहसुन और हरी मिर्च ये सब आ गया, ये कंप्लीट मसाला है। इसको आप किसी भी सब्जी में दाल में एक जीरे का तड़का लगाइए, उसके बाद ये मसाला डाल दीजिए तो दाल के लिए हो जाएगा, और सब्जी में डालना है तो आप डायरेक्ट डाल सकते हो। इसको तेज गैस में पहले भूनते हैं हम लोग थोड़ी देर, और इसको चाहो तो काम करते करते इसको सिम पे पड़ा रहने तो धीरे धीरे मसाला आराम से भुनता रहता है।
चलो शुरू करेंगे। थोड़ा सा ये प्याज का मॉइस्चर कम हो गया है, प्याज टमाटो का, इस मसाले का। इसका मॉइस्चर थोड़ा और जल्दी कम करना हो ना तो सूखा धनिया मैं इसमें पहले ही डाल देती हूँ, क्योंकि सब सब्जियों में हम लोग सूखा धनिया डालते ही हैं। तो इसमें हम 2 बड़े चम्मच भर के सूखा धनिया डाल देंगे। ये ठीक है, क्योंकि ये अभी हमारा ये जो मसाला बन रहा है ये बन जाएगा कोई 4-5 बार के लिए। तो सूखा धनिया डाल दिया है तो अब ये जल्दी जो है पानी को सोख लेगा, जिससे कि मसाला जल्दी भून जाएगा। बस देखोगे थोड़ी देर में ये मसाला जो है घी छोड़ने लग जाएगा, जब वो घी छोड़ने लग जाए तो मसाला हो गया। अभी जब आधा पक गया है वैसे मसाला हमारा, तो धनिया डालने से काफ़ी जल्दी हो जाता काम। नीचे मत लगने दीजिएगा इसको, ध्यान रखते रहिए इसको। जब छोड़ के अगर जाना हो तो गैस सिम करके छोड़ो इसको, सिम पे बहुत अच्छा मसाला भुनता रहता है। मोटे तले पे, हाँ कढ़ाई मोटे तले की होनी चाहिए। अब इसमें हम लाल मिर्च, वो भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ये मिर्च बहुत तेज है तो इसमें हरी मिर्च कम पड़ी है इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ। अदरवाइज हम थोड़ी सी हरी मिर्च इसमें ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि मैंने 3 ही 4 हरी मिर्च डाली है इसमें, ठीक है। उसके हिसाब से हमने लाल मिर्च डाल दी है। ये 1-2 बार बनाने पे आपको पता लग जाएगा कि मिर्च वगैरह कितनी डालें, अकॉर्डिंग टू टेस्ट होता है ये। थोड़ी ज़्यादा खानी है तो थोड़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और कम ही खानी है तो इतनी बहुत है। थोड़ा सा गरम मसाला भी इस टाइम ही डाल देते हैं, ताकि जिस समय जल्दी में अगर आप सब्जी बनाने लगे हो तो आप बस उसको बिल्कुल तैयार आपको मसाला मिलेगा उस समय। थोड़ी देर आप तैयार इसमें हम थोड़ी देगी मिर्च भी डाल देते हैं। देगी मिर्च भी ऑप्शनल होती है, जब कोई खास मसाला जब समय हमने तैयार करना होता है तो उस समय हम डालती हैं। तो इसमें हम थोड़ी देगी मिर्च 3 चम्मच मैंने देगी मिर्च डाल दिया, सो कलर बहुत अच्छा होता है। ये देगी मिर्च अच्छी देगी मिर्च होनी चाहिए। ये देगी मिर्च है जो कश्मीरी मिर्च होती है, इसमें मतलब मिर्च की तेजी नहीं होती है लेकिन फ्लेवर आता है और कलर बहुत अच्छा आता है। एग्जॉस्ट बिल्कुल होना चाहिए ताकि कमरे के अंदर आपका ये फ्यूम्स ना जाए। तो ये मसाला थोड़ी देर में होने वाला है, घी छोड़ रहा है ये। इस टाइम पे इसको गैस पे छोड़ के बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि तब ये नीचे लग सकता है। और ऐसे मसाला बनाने के लिए जो भी आप बर्तन लोगे वो हैवी बॉटम होना चाहिए। देख रहे हैं ये छोड़ने लग गया ये। अब ये मसाला हमारा कई दिन तक खराब नहीं होता है, उसको आप 4 दिन तक रख सकते हैं। हाँ वो फ्रीजर में रख दो, थोड़ा हिस्सा निकाल के उसका अलग ही, तो और टाइम तक भी रख सकते हैं। करने वाले इनके छोटे छोटे पैकेट्स बना के भी रख देते हैं आप, छोटे आपके पास कंटेनर दो उसमें भी डाल के रख सकते हैं। अदरवाइज एक बॉक्स में रखा हुआ है टाइप में तो 4 दिन तो कहीं नहीं जाता ये। तो उतना ही बनाइए कि आप 4 दिन के लिए बना लीजिए, 7 डेज के लिए बनाना है, 7 डेज तक भी चला जाता है वैसे तो। फ्रीजर में, हाँ फ्रीजर में डाल दीजिए उसको, उसमें से आधा निकाल के फ्रीजर में रख दीजिए और आधे को आप यूज करते रहते, फ्रीजर वाले को निकाल के भी फ्रिज में कर दीजिए,
वो भी थाव हो जाएगा। उसके बाद आपका आराम से उसमें से निकाल के यूज करते रहिए। अब आपने देख लिया कि कैसे किस किस समय पे कैसे कैसे चीजें डालते जाते हैं और इसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब ये मसाला जो है दाल में भी पड़ सकता है। आप थोड़ा सा जीरे का तड़का लगाइए और उसमें मसाला डाल दीजिए। तो आप दाल में डाल सकते हो, छोलों में, चनों में, ऐसे ही आप उसमें जो है नॉनवेज बनाते हैं तो नॉनवेज में डाल सकते हैं। उसमें थोड़े से खड़े मसाले बढ़ा दीजिएगा नॉनवेज के लिए। ऐसे ही जब छोले या राजमा बनाते हैं उस समय भी थोड़ा सा खड़े मसाले बढ़ा दीजिए। शाही पनीर में भी अगर आप प्याज डाल के बनाना चाह रहे हैं तो साथ में हरी इलायची डाल दीजिए। हरी इलायची से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। एक आध हरी इलायची ऐसे इस वाले मसाले में भी हम डाल सकते हैं अगर मसाले में पड़ी हो। मोटी इलायची अभी है नहीं, अदरवाइज मेरे को मोटी इलायची इसमें डालनी थी, वो अभी नहीं पड़ी है। मोटी इलायची, लौंग और तेज पत्ता, ये तो जनरल है, ये तो डाल ही देते हैं। तो अब ये थोड़ी थोड़ी डाले थे जितने भी, अब वो जिस सब्जी में भी आप सब्जी में मसाला डालोगे उसमें उनका फ्लेवर आएगा। ये देखें सूखा धनिया की वजह से ये बहुत जल्दी भून गया है। तो सूखा धनिया डाल दें, ये बहुत बड़ी टिप है। कभी भी मसाला आपको ज़्यादा बनाना है तो उसको थोड़ा सा भूनने के बाद उसमें सूखा धनिया डाल दें और फिर धीरे धीरे बाकी मसाले भी डालते जाइए। बस थोड़ी देर में आपको मसाला तैयार हो जाएगा। और घर में कामकाज करते हुए बनाना है तो इसको आप सिम पे छोड़ के अपना काम करते रह सकते हैं। बीज बना के इसको हिला दीजिए, लेकिन जब ये फाइनल होने वाला हो उस समय मत छोड़िए क्योंकि उस समय नीचे लगने के चांसेस होते हैं। ये ऑलमोस्ट किनारा देखिए छोड़ दिया उसने, ये पहचान होती है कि मसाला आपका भुन गया है। एक मिनट और भून देती हूँ इसको ताकि इसका मॉइस्चर कंटेंट ऑलमोस्ट निकल जाए। जितना रहेगा वो इसको ख़राब नहीं करेगा क्योंकि इसमें ऑयल भी है। अब इसमें अलग से आपको ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। जब भी डालें ये मसाला डालें, कटी हुई सब्जी डालें, थोड़ी हल्दी जो हल्दी इसमें नहीं डाली है क्योंकि हल्दी आप दाल वगैरह में जैसे होता है वो पकते टाइम उबलते टाइम डालते हैं, इसलिए हल्दी नहीं डाली इसमें। सिर्फ एक हल्दी नहीं है, नमक नहीं है। तो नमक और हल्दी हम दाल जब बॉयल करते हैं उससे हम डाल देते हैं। तो अगर किसी चीज़ में ये मसाला आप डाल रहे हैं जैसे छोले बना रहे हैं और उसमें आप हल्दी डालना चाह रहे हो और उसको बॉइलिंग टाइम पर छोलों में हल्दी नहीं डालते हैं, खाली नमक डाल के उबालते हैं, तो उसको इस मसाले में थोड़ी देर हल्दी डाल के और उसको भून लीजिए थोड़ा सा, या थोड़े से ऑयल में हल्दी भून लीजिए फिर मसाला डालिए और बस छोले डाल दीजिए उबले हुए और थोड़ी देर पकाइए। आपके छोले तैयार हैं, राजमा तैयार हैं। ऐसे किसी भी दाल में थोड़ा कम डालिए इसको, जीरे का तड़का लगा के तो दाल के लिए तैयार है। गोभी आलू में डालिए, बीन्स में डालिए, किसी भी चीज़ में डालिए, ये तैयार हो गया आपको बताया। ये मसाला तैयार है। इसको आप बॉक्स ठंडा होने के बाद उसको अपने एक बॉक्स में एयरटाइट बॉक्स में बंद करके फ्रिज में रख दीजिए और उसमें से आधा दो बॉक्स में कर दीजिएगा, आधा फ्रीजर में रख दीजिएगा और आधा आपने फ्रिज में रखिएगा। तो पहले फ्रिज वाला खत्म कीजिए, उसके बाद फ्रीजर वाला भी निकाल के उसको भी यूज करते रहिए। तो आराम से जब आप चाहोगे उस समय आप खाना बना सकते हैं। बाय। यस बेटा, बाय, सी यू।